بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. आज से जो गुफ्तगू शुरू हो रही है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बारे में है। अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम में से हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को मरकज़ियत हासिल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अज़ीम शान शख्सियत है। यहूदी कहा करते थे कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। ईसाई भी अपनी नस्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ किया करते थे। और सितारा परस्त लोग वो भी अपनी नस्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ किया करते थे। और मुसलमान भी अपनी नस्बत हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की तरफ करते हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो आजकल इराक का इलाका है वहाँ पर पैदा हुए थे। जब आप उस इलाके के अंदर पैदा हुए तो उस बुध परस्ती आम थी और इसके साथ साथ सितारों की पूजा करना और इसके साथ साथ सितारों को बाअसर मानना, सितारों के जरिए भी काम हो जाया करता है, उनके अंदर असर मानना कि उन लोगों के जो जिंदगियों में था वो समझा करते थे कि सितारों के अंदर तासीर मौजूद है, सितारों के अंदर असर मौजूद है, वो लोग उनकी भी इबादत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ऐसे घर के अंदर पैदा हुए कि आपके वालिद मुहतरम ही खुद बुतों की पूजा किया करते थे, आपकी कौम बुतों की पूजा किया करती थी। जो वक़्त का बादशाह नमरूद था वो भी बुत परस्ती के अंदर मुबतला था, लेकिन जो वक़्त का नबी आया करता है वो हालात का रुख मोड़ने के लिए आता है, हालात के अंदर बहने के लिए नहीं आता। ये बात याद रखिए, तमाम अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम जो तशरीफ लाए वो हवाओं के रुख के साथ नहीं बहे बल्कि उन्होंने हवाओं के रुख को तब्दील किया है। उस वक़्त बुत परस्ती का ज़माना, अशिरक का ज़माना, सितारों को पूजने का ज़माना, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस ज़माने के अंदर पैदा फरमाया। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तौहीद की दावत पर बहुत सारे इम्तिहानात से भी आप गुजरे। ये वाकयात आप सुनते ही रहते हैं। बहरहाल फैसला अल्लाह ताला ने फरमाया है, मा काना इब्राहीम यहूदियम वला नसरानियम वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा। अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना ईसाई थे, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब को छोड़कर एक अल्लाह की तरफ यकतु और मुतवज्जे होने वाले थे। आज से जो वाक्य शुरू किया जा रहा है वो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का है। फ़ैज़ क़ाला इब्राहीम ली अबी, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र को कहा। उलमा लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह तौर पर मज़कूर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र को कहा। लेकिन बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुख था। ये भी बाद तफ़सीरों के अंदर आता है, लेकिन ज़्यादातर उलमा ने ये बात लिखी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र को कहा। अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा, क्या तुम असनाम को इलाह करार देते हो। असनाम सनम की जमा है, सनम बुत को कहते हैं। उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं, बल्कि तफ़सीर क़ुर्तुबी के अंदर भी ये बात लिखी हुई है, सनम इसको कहते हैं कि किसी इंसान की शक्ल के अंदर किसी मूर्ति को घड़ लिया जाए, चाहे वो पत्थर की हो, चाहे पत्थर की इंसानी शक्ल बना ली जाए, या लकड़ी की इंसानी शक्ल बना ली जाए, या सोने की, या चांदी की, या किसी और चीज़ की इंसानी शक्ल बना ली जाए, उसे कहा जाता है सनम। और फरमाया कि अगर इंसानी शक्ल ना हो, किसी और चीज़ की शक्ल हो, तो फरमाया उसको हैकल कहा जाता है। इसको हैकल या दूसरे नामों से ताबीर कर लिया जाता है, लेकिन जब पत्थर, सोना, चांदी, लकड़ी या दीगर किसी चीज़ की इंसानी शक्ल बना ली जाए तो फरमाया इसको सनम कहा जाता है। वो लोग जो है सनम की पूजा किया करते थे, यानी उन्होंने शक्लें बनाई हुई थी इंसानी शक्लों सूरत के अंदर। तो फरमाया अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा, क्या तुम असनाम को आलिहा करार देते हो। असनाम यानी बुतों को खुदा करार देते हो, माबूद करार देते हो। इन्नी अराका वकौमक फी ज़लालिम मुबीन,
फरमाया मैं तुझे भी और तेरी कौम को भी वाज़ह गुमराही के अंदर देखता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का ऐलान फरमा दिया और अपने वारिद मुहर्रम के सामने इस बात को जिक्र फरमाया। अब यहाँ पे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक बात वाज़ह हो गई कि इत्तेबा जो है ये बड़े होने के एतबार से नहीं होती बल्कि इल्म के एतबार से होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद बड़े थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे थे, लेकिन इल्म जो था नबूवत जो थी वो अल्लाह ने किसमें जारी फरमाई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। मालूम हुआ कि इत्तेबा जो है ये इल्म की है, बड़ा होने की इत्तेबा नहीं है। एक आदमी बड़ा हो और सीधे रास्ते पर ना हो उसकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। एक आदमी छोटा है लेकिन इल्म के एतबार से दलील के एतबार से वो सही गुफ्तगू करता है तो इत्तेबा उसी की जाएगी जिसके पास क्या है भाई इल्म है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बात को जिक्र फरमाया कि तुम तो वाज़े गुमराह हो। वाज़े गुमराह का मतलब आप समझते हैं कि जो अपने हाथों से ही उसको तराशते हैं और अपने हाथों से तराशने के बाद खुद ही उसको खुदा बना लेते हैं और खुद ही उसके सामने इबादत करने वाले बन जाते हैं। आगे फरमाया वकलाली का नूरी इब्राहिम मलकूत السماوات والارض। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं हम ऐसे ही कामिल से कामिल तरीके से इब्राहिम को जमीन और आसमान की मखलूकात दिखाते थे ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाएं। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जमीन और आसमान की मखलूकात दिखाई ताकि यकीन पक्का हो जाए। लेकिन ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम फितरतन जो है पैदा भी फितरत पर होते हैं और उनकी फितरत के अंदर किसी चीज में लचक नहीं आया करती। ये अलग बात है कि 40 साल के बाद जब नबूवत मिलती है फिर वो दावत शुरू करते हैं। इससे पहले अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम कोई किसी किस्म का गुनाह उनसे सरज़द नहीं हो सकता। पैदा होने के बाद नबूवत मिलने से पहले भी और नबूवत मिलने के बाद तो शुबे नहीं होता अंबिया से किसी किस्म की गलती होने का। लेकिन एक फिरका ऐसा भी पैदा हुआ जिन्होंने ये बात कहना शुरू कर दी कि अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम से गलती हो सकती है और उनकी तफसीरें भी छपी हैं, तफसीरुल कुरान हो गई अलामा मौजूदी की, उन्होंने उसके अंदर इस बात को जिक्र फरमाया है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और नजरिया यही है कि अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने से पहले भी किसी किस्म का गुनाह और लग्जिश नहीं होती और नबूवत मिलने के बाद भी उनसे किसी किस्म की अल्लाह की नाफरमानी नहीं होती। आगे इरशाद फरमाया फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रहा कौकबा, जब तारी हो गई उन पर रात उन्होंने एक सितारा देखा। कौकब सितारे को कहते हैं। उलमा लिखते हैं जब रात का वक्त हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारे को देखा। अब वो सितारा कौन सा था? बड़े बड़े सितारे हैं, उनमें से एक मुश्तरी है, एक जुहल है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि मुश्तरी सितारे को देखा, बाज़ फरमाते हैं जुहल सितारे को देखा, इसी तरीके से बाज़ फरमाते हैं जोहरा सितारे को देखा। बहरहाल कोई सितारा भी हो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रात को जब सितारा चमका तो उस पर नजर पड़ गई। फरमाया काला हाजा रब्बी, कहा ये मेरा रब है। ये खबर के जुमले में से नहीं है, ये बात याद रखें, ये इस्तेफ़ाम का जुमला है। माना ये हो जाएगा क्या ये मेरा रब है, यानी कौम से पूछ रहे हैं क्या यही रब है। मकसद ये था कौम को समझाना, बात बताना मकसद नहीं था कि ये मेरा रब है, बल्कि चूंकि ये नाज़िरे की इस्तेलाम में इसको कहा जाता है इस्तिदराज, ये जो तरीके मुखालिफ है उसके साथ ऐसी गुफ्तगू की जाए फिर नरमी वाली गुफ्तगू बाद में उस पर गरीब कर ली जाए, इसको क्या कहा जाता है इस्तिदराज। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम के सामने खिताब कर रहे हैं और वालिद मोहतरम भी सामने मौजूद हैं, उनके सामने गुफ्तगू करते हुए रात हुई। रात जब सितारा नजर आया तो क्या कहा, हाजा रब्बी, क्या ये मेरा रब है, समझ आ रही है। फरमाया फलम्मा अफला अलला उल आफिलीन, इस वक्त वो गुरूब हो गया तो कहने लगे गुरूब होने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। देखो पहले गुफ्तगू फरमाई, फिर फरमाया कि जब ये गुरूब ही हो गया खुद अपने वजूद को बाकी नहीं रख सकता तो फिर मैं इसे मोहब्बत कैसे करूँ, ये जो है माबूद नहीं बन सकता, ये खुदा नहीं बन सकता। आगे शायद फरमाया फलम्मा अल-क़मर बाज़िग़न, इस वक्त देखा चांद को चमकता हुआ, क़ाला हाज़ा रब्बी, तो कहा ये मेरा रब है। फलम्मा अफ़ला, इस वक्त वो गायब हो गया, क़ाला इल्लम यहदीनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालीन, फरमाया कि अगर मेरा रब मेरी रहनुमाई ना करता तो मैं भटके हुए लोगों में से हो जाता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब किसको देखा भाई, चांद को, पहले सितारे को देखा फिर किसको देखा भाई, चांद को देखा। आगे फरमाया फलम्मा रअश्शम्सा बाज़िग़ा, जब सूरज को देखा चमकता हुआ, क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, फरमाने लगे ये मेरा रब है, ये तो सबके मुकाबले में बड़ा है। अलम्मा अफलत, फिर जब वो गुरूब हो गया, قال يا قوم اني بريء مما تشركون, फरमाने लगे हैं मेरी कौम मैं उन चीजों से ला ताल्लुक हूँ जिनको तुम शरीक ठहराते हो। देखो पहले सितारा देखा गुरूब हो गया, फिर चांद को देखा गुरूब हो गया, फिर किसको देखा भाई, सूरज को देखा, फिर क्या हो गया गुरूब हो गया। फरमाया जो गुरूब हो जाते हैं वो तो माबूद नहीं बन सकते, अपनी कौम को साफ तौर पर कह दिया तुम जो इनकी पूजा करते हो करते रहो लेकिन मैं तो इनसे क्या हूँ भाई, बरी हूँ, मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आगे फरमाया इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस समावात, मैंने तो अपनी जात को मुतवज्जे कर दिया, लिल्लज़ी फ़तरस समावात वल अर्ज़ हनीफा, उस जात की तरफ जिसने पैदा किया है आसमानों और जमीन को, हनीफा इस हाल में कि हर तरफ से हटकर यकतू होने वाला हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या फरमाने लगे कि मैंने जो है अपना जो जात है सिर्फ एक जात की तरफ मुतवज्जे कर दी, अल्लाह की जात है, सब को छोड़कर मैं एक ही की तरफ क्या हो गया भाई हो गया। अब इस आयत की रोशनी में देखिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार कौन है भाई, मुसलमान।
यहूदी पैरोकार है, ईसाई पैरोकार है, नसारी पैरोकार है, बल्कि कौन है भाई? मुसलमान। वो कैसे? यहूदियों ने अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराया। आलत यहूदी उज़ैरुनी मिनल्लाह, यहूदी कहने लगे हजरत उज़ैर तो अल्लाह के बेटे हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुशरिक नहीं थे ना, उन्होंने अल्लाह के साथ किसको ठहराया भाई? शरीक। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ जो अपनी निस्बत करते हैं वो अपने इस दावे में सच्चे नहीं है, अपने इस दावे में सच्चे नहीं है। फिर ईसाई कहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हमारे हैं, लेकिन कुरान मजीद कहता है उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाया? सलासा, तीन में से एक है। बात कहने लगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इब्नुल्लाह, अल्लाह के क्या है भाई? बेटे हैं। तो आप बताएं, हजरत इब्राहिम तो शिरक से पाक थे, लोगों को शिरक से बचाते थे, और ईसाइयों ने अल्लाह ताला के साथ ईसा अलैहिस्सलाम को शरीक ठहरा कर क्या कह रहा है? मुशरिक हो गए। तो ईसाई भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार ना हुए। समझ आ रही है? कौन रह गए भाई? मुसलमान। और मुसलमानों ने एक ही बात कही, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आके जिक्र फरमाया, और मुसलमान सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानते हैं और उसी की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। तो असल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार कौन हुए भाई? मुसलमान हुए। इसी बात को जिक्र करते हुए फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी, मैंने तो अपनी जात को मुतवज्जे कर दिया, लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़, उस जात की तरफ जिसने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया, हनीफा यकसू होकर, सिर्फ अल्लाह की तरफ क्या है भाई? मुतवज्जे हो गए। फरमाया, वमा अना मिनल मुशरिकीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वमा अना मिनल मुशरिकीन, नहीं हूं मैं शिरक करने वालों में से। तो इसलिए जो लोग शिरक करते हैं असल के एतबार से वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार वही हैं जो सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ यकसू हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दरस को